सरकार स्लम और झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों बस्तियों में क्रेच सुविधाएं प्रदान करने के लिए और सघन योजना बना रही है। इसके लिए समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 300 नए क्रेच शुरू करने का प्रस्ताव है 300 क्रेच शुरू करने का प्रस्ताव है। सरकार द्वारा संचालित गृह संस्थानों में रह रहे करीब 1200 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए उनको कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के प्रति ठोस कदम उठा रही है। महिलाओं माताओं को सामुदायिक सहायता और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने और 6 वर्ष तक की आयु के छोटे बच्चों को पूरक पोषाहार और स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को अधिक खुले, अभी तक आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं वो किसी गली में, किसी के घर में, एक छोटे से 2 कमरे का घर, मैंने तो देखे हैं, स्वयं जाके इंस्पेक्शन भी किया है, 2 कमरों का घर किसी व्यक्ति का, गरीब का, वो थोड़े से पैसों के लिए आधे दिन के लिए उसको किराए पर दे देता है, अपने ड्राइंग रूम को किराए पर दे देता है, वहाँ पे आंगनवाड़ी चल रहा है। बड़ी अजीब अजीब स्थितियों में चल रहे हैं, कुछ अच्छे भी चल रहे हैं, लेकिन अधिकतर आंगनवाड़ी बड़ी अजीब अजीब स्थितियों में चल रही है। तो उन आंगनवाड़ियों को अधिक खुले स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए उनके रेंट की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि ज़्यादा पैसे पर रेंट पर लिया जा सके, ताकि बेहतर सुविधा मिल सके और जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करने का सरकार प्रस्ताव रख रही है।